करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपका पेज क्रिएट पिवट टेबल का ये विंडो आएगा, जिसमें आपका सेलेक्ट टेबल रेंज में ये डाटा सेलेक्ट हो गया है। इसमें कुछ नहीं करना है आपका। नीचे यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, न्यू वर्कशीट, एग्जिटिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट का मतलब होता है नया शीट में जो हम अलग से इस डाटा का यहाँ पे अलग से जो रिपोर्ट निकाल के देखना है उसे देखने के लिए, और एग्जिटिंग का इसी डाटा के कहीं भी यहाँ हो या यहाँ हो वहाँ देखने के लिए एग्जिटिंग का यूज़ करते हैं। जिसमें लोकेशन, लोकेशन में आपको यहाँ पे देखना है तो आप यहाँ पे कर्सर रखो और क्लिक कर दो। आ गया ये पिवट टेबल का ब्लैंक वाला बॉक्स, उसी के साथ साथ आपका ये पिवट टेबल फील्ड लिस्ट का बॉक्स आया है, जिसमें आपका ये हेडिंग आपको शो कर रहा है। इसमें से आपको अगर डेट को बस प्रिंट करना है तो आप बस डेट पे राइट टिक लगाओ, पूरा डेट शो हो जाएगा। डेट के साथ साथ प्रोडक्ट पे प्रिंट करना है तो प्रोडक्ट को राइट टिक लगाओ, प्रोडक्ट शो हो जाएगा। सिटी भी लगाना है तो सिटी लगाओ। स्टेट, कंट्री, जैसा भी देखना है आप अपने हिसाब से यहाँ से रिपोर्ट देख सकते हैं। हमें केवल अभी यहाँ पे सिटी पे और कंट्री पे देख रहे हैं तो सबका दिखा रहा है, हमें केवल यहाँ पे सीजी का बस चाहिए। तो सीजी का बस चाहिए तो आप ये वाले फिल्टर बटन का यूज़ करोगे जो यहाँ पे दिख रहा है आपका फील्ड हेडर में। ये फिल्टर बटन का यूज़ करके आप यहाँ से इसे हटाओ और ओनली सीजी पे क्लिक करो। तो ये सिटी दिखा रहा है आपका, हमें सिटी नहीं चाहिए, स्टेट चाहिए। तो यहाँ पे हम कंट्री में ठहरना है सीजी, ये इसे हटाकर ओनली सीजी पे क्लिक करो। ऐसे बता दिया 8 तारीख, 13 तारीख और 15 तारीख 12वें महीने के डेट में सीजी में होंडा गया है ध्रुव में, सीजी के मास्ता गया है भिलाई शहर में छत्तीसगढ़ के, और 13 तारीख के डेट में ध्रुव में गया है BMW सीजी के। इधर टवेरा गया है चरोदा में। इनका टोटल 1600, इसका आपका इतना 35 और इसका 750, टोटल 2700 यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, बस उसके बाद आपका यहाँ पे सबको देखना है। तो यही सेम फिल्टर बटन को ऑन करो और इसी के हिसाब से आप फिल्टर किए थे तो इसे क्लिक करके सबको शो कर लो। ऐसे शो होने के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शंस खुलता है। ऑप्शंस में ये पिवट टेबल का नाम बताता है, ये पहला पिवट टेबल है करके। कोई और बनाओगे तो 2 नंबर दिखाएगा, पिवट टेबल 2। ये इसी का सेटिंग का है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहीं से अगर यहाँ पे अगर नाम चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, यहाँ से करना रहेगा तो यहाँ से कर सकते हो। सम रेंज एक्टिवेट, आपका कर्सर जिसमें रहेगा उसका नाम यहाँ पे दिखाएगा। प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट, सिटी में, कंट्री में है तो कंट्री, यहाँ पे अमाउंट में है फरवरी के तो अमाउंट में बता रहा है। फील्ड लिस्ट का भी यूज़ इसी का ही है, इसमें कुछ नहीं करना है। ग्रुप सेलेक्शन, जैसे आपको इतने को एक ग्रुप में रखना है, ऐसे ग्रुप आप कहाँ पे पढ़े थे, ये व्यू में पढ़े थे, व्यू या डाटा में पढ़े थे, ये वाला वही ऑप्शंस आपको यहाँ पे देता है। इसके जरिए अगर काम करोगे तो ये ग्रुप पे हो गया है, ये एक ग्रुप को क्लिक करोगे तो हाइड हो जाएगा, ये जितना आप सेलेक्ट करके रखे थे। दोबारा शो करना है शो हो जाएगा। ग्रुप को हटाना है तो अनग्रुप ऑप्शन दिया हुआ है, हट गया। ये शॉर्ट एंड फिल्टर आप लोग देख चुके हैं, A to Z वाला, अल्फ़ाबेट में सेट करने वाला। रिफ्रेश यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे ये कंट्री लिखा हुआ है, इसे आप यहाँ पे स्टेट करना चाहते हो, स्टेट कर दिए, और छत्तीसगढ़ में पूरा नाम देना चाहते हो, और अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं तो शॉर्ट में है बस नाम, तो हम यहाँ पे रिफ्रेश करके स्टेट ला सकते हैं ऐसे, और ये आपका छत्तीसगढ़ में से शॉर्ट में था उसे फुल में शो कर सकते हैं। चेंज डाटा सोर्स, मार्च के बाद अप्रैल का भी डाटा बनाना पड़ेगा, तो मार्च के बाद अप्रैल का डाटा बनाएंगे तो हमें उसे वहाँ पर शो करना है रिपोर्ट में, फील्ड लिस्ट वाले में। ऐसे यहाँ पे नहीं आए हैं तो इसे आप चेंज डाटा सोर्स से शो कर सकते हो। या क्या यहाँ तक बस दिखा रहा है, कितना जी के बाद एच, जी तक बस है। यहाँ पे आपको चेंज करके एच पे एच क्लिक करके ओके कर दो, आगे ये अप्रैल का भी। ऐसे आप एक्स्ट्रा जो है डाटा शो कर सकते हो। क्लियर करना है, क्लियर कर दो। इसको पूरा समझ नहीं आ रहा है कौन सा क्या किसका है। नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं तो पूरा क्लियर करके आप यहाँ पे फिर से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे आप सेलेक्ट ऑल, पूरा टेबल सेलेक्ट करके सीधा डिलीट कर देना है तो सेलेक्ट ऑल का यूज़ करेंगे। टेबल पूरा सेलेक्ट नहीं करना है आपको, यहाँ पे केवल लेबल बस सेलेक्ट करना है तो लेबल बस सेलेक्ट होगा, वैल्यू बस सेलेक्ट करना है तो वैल्यू बस होगा आपका यहाँ पे।
लेबल्स एंड वैल्यू दोनों सिलेक्ट हो जाएगा ऐसे। ये मूव टेबल का है वही जैसे बताया, अभी नीचे और एंट्री मारोगे आप 17, 18, 19, 20 तारीख का, तो इधर तो ये प्रॉब्लम करेगा ही, तो आपको इधर इस डाटा को और मूव करना है, तो आप यहाँ पे मूव टेबल का यूज़ करके मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 21 पे लाना है तो 21 पे आ गया, देखो बाकी इधर और स्पेस आ गया, ऐसे आप मूव भी कर सकते हैं अपने डाटा को। प्योर चार्ट का यूज़ इधर बता चुका हूँ, इधर नहीं देखेंगे प्योर चार्ट। कैलकुलेटर का यूज़ नहीं होगा इसमें, ये सब शो करने के लिए है। यहाँ पे ये फील्ड लिस्ट को हाइड या शो करने के लिए, इसमें जो छोटे छोटे बटन दिख रहे हैं उनको हटाने के लिए है या शो करने के लिए। ये फील्ड हेडर जो हमारा फिल्टर बटन वाला था, ये वाला जो हम फिल्टर करके देख सकते हैं, उसे शो एंड हाइड के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। डिज़ाइन में आ जाते हैं, डिज़ाइन में आपका यहाँ पे शो डू नॉट शो सब टोटल, ये सब टोटल जो शो हो रहा है उसको हटा देना है आपको, तो डू नॉट सब टोटल पे क्लिक करेंगे ऐसे। छत्तीसगढ़ के भिलाई, चरोदा और दुर्ग में यहाँ पे इतना इतना प्रोडक्ट गया है, इसका ग्रैंड टोटल नहीं, सब टोटल नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, दोबारा शो करना है। इसी पे आप क्लिक करो, ये टॉप पे शो हो जाएगा देखो, और आपको टॉप पे नहीं करना है, बॉटम पे करना है, तो बॉटम पे आ जाएगा। बॉटम पे आएगा तो ऐसे लाइन में देगा आपको अलग से ऐसे। इसमें 700 बस है, इसमें ये दोनों को मिला के 1780, इसमें ये दोनों को मिला के 1100, इसका ग्रैंड टोटल ऐसे दिखा रहा है। नॉर्मल पहले जैसे रखना है तो ये शो ऑल सब टोटल एक टॉप ऑफ ग्रुप पे क्लिक करो, ऐसे शो हो जाएगा। ग्रैंड टोटल को ही हाइड कर देना है, तो ऐसे ग्रैंड टोटल पे क्लिक कर सकते हो, ऑन करना है ऑन कर सकते हो। यही रो का है, यही कॉलम का है, दोनों एक जैसा काम करता है। रिपोर्ट लेआउट में शो इन कंसेप्ट फॉर्म का यूज़ क्या है आपका, यही शो इन कंसेप्ट फॉर्म है, पर आप चाहते हो इसमें हम एक ही कॉलम में पूरा स्टेट, सिटी और जो भी रहेगा हमारा प्रोडक्ट नाम सब एक ही में दिख रहा है, डेट, स्टेट, सिटी, प्रोडक्ट नाम, ऐसा हम इस टाइप से बांटना चाहते हैं अलग अलग कॉलम में, ये अलग, ये अलग, ये अलग, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट में शो इन आउटलाइन का यूज़ करोगे ऐसे। ये हो गया सब अलग अलग कॉलम में ऐसे, और नॉर्मल करना है पहले जैसा, तो इसी में जाकर इसमें क्लिक कर दो। ट्यूबुलर फॉर्म का यूज़ है, ये वाला जो हमारा ये ब्लैंक वाला जो दिख रहा है ना, ये हमारा रो एंड कॉलम्स, वो इसमें आ जाएगा, जबकि इसमें प्लेन है तो ऐसे शो होके आएगा साथ में। नॉर्मल करना है नॉर्मल कर दो। ब्लैंक इंसर्ट रो, ब्लैंक रो, हर एक आइटम के बाद आपको ब्लैंक रो चाहिए, तो आपका हर एक आइटम के बाद ये ब्लैंक रो आ जाएगा। जैसे भिलाई में माजदा में, माजदा इतने रेट में गया है तो ये बीच में गेप आ गया, फिर चरोदा में गया है ये बीच में गेप आ गया, ऐसे अलग अलग गेप दे सकते हैं आप इनमें इस टाइप से। जितना प्रोडक्ट है आप लोग का सबके बीच में आप ऐसे गेप, हाँ, ब्लैंक रो दे सकते हैं, हटाना है हटा दो। ये सब शो एंड हाइट के लिए है, आप लोग फॉर्मेटेज टेबल में पढ़े थे ऐसे, कलर वगैरह शो एंड हाइट के लिए ऐसे, ये सब है आपका, इधर कलर चेंज कर सकते हो आप, ठीक बस हो गया। चार्ट इसमें नहीं बताया,